हेलो आईटी फैमिली, तो मैं हूँ सैम सत्यम। सोच रहे हो कि क्या लेके आया हो पॉडकास्ट? तो हाँ, सोच रहा हूँ जब लोग ब्लॉग बनाते हैं तो मैं लॉग क्यों नहीं बना सकता। मीन्स ऑडियो लॉग, कॉमेडी हो गई ना छोटी सी। तो मैं सोच रहा था कि जब लोग पर डे का ब्लॉग बना सकते हैं, पर डे का ब्लॉग डाल सकते हैं, तो मैं क्यों ना इसे ऑडियो फॉर्मेट में डालूँ। ब्लॉग बनाने तो मुझे नहीं आती, बट ऑडियो में तो मैं कर सकता हूँ ना। तो इसलिए ये पहली ब्लॉग है मेरी, सॉरी लॉग या पॉडकास्ट कह ले, पॉडकास्ट सूट करेगा ज़्यादा। तो ये पहली पॉडकास्ट है मेरी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। अगर आप जानने में इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। नहीं हो तो फिर भी रुक जाओ ना यार, सुन लो, मे भी आदत लग जाए। आज सुबह से उठ के मैं परेशान था क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू था। हाँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वहाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो उसका मेरा इंटरव्यू था, मैंने वर्किंग प्रोफेशनल राउंड के लिए अप्लाई किया था। तो 2 जनवरी को मेरा रिटेन हुआ था जिसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था, पास हो गया था। आज 21 फरवरी, आज मेरा इंटरव्यू था। 2 दिन से परेशान था मैं, क्या आखिर क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे। मैंने पूरा, मतलब समझ लो कि अपन ग्रेजुएशन से लेके अभी तक का जितना चीज़ है ना, सारा चीज़ मैं मतलब कि एक बार रिकॉल कर लिया था अपने माइंड में, लाइक कि मैंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया तो उसके बारे में पूरा रिकॉल किया। अपना वर्क एक्सपीरियंस जो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसका पूरा वर्क एक्सपीरियंस को मैंने रिकॉल किया। व्हाई आई वांट टू परस्यू मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, वो भी APU का, एंड ये सब। तो बट जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, तो नर्वसनेस के कारण, क्योंकि भाई आदत तो नहीं है, किसी को भी नहीं होती, बट नर्वसनेस के कारण पहली बार वो था कि मतलब उतना अच्छा मैं भी कह नहीं सकता, मतलब मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मेरा उतना अच्छा गया। नर्वसनेस के कारण मेरा बहुत कुछ छूट गया। लाइक मैं उन्हें बहुत कुछ बताना चाहता था, अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ कुछ था। मैंने कोविड में बहुत काम किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह के एज ए फ्रंट लाइन वर्कर, वो भी छूट गया, मतलब याद नहीं रहा बताने के लिए। उनका पहला क्वेश्चन था, मतलब जो उनका पहला क्वेश्चन था वो तो था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड दूसरा व्हाई डू वांट टू परस्यू MPG प्रोग्राम, और उसके बाद जो आप उन्हें जवाब देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। बहुत सारा चीज़ था जो मैं बताना चाहता था, बट इतना नर्वस था कि कुछ मतलब भूल गया सारा चीज़। वो होता है ना दिमाग में खिचड़ी हो जाना सारा चीज़ मिलके, तो इतना सारा चीज़ हो गया था खिचड़ी, क्योंकि 2 दिन से लगातार मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा था इस चीज़ को लेके, तो खिचड़ी हो गया था। तो अगर आप लोग देने वाले जो, अगर अजीम प्रेम जी वाले सुन रहे होगे जो अभी देने वाले एग्जाम इस सीज़न के लिए, तो वो रेडी रहे। अगर आप लोग इंटरव्यू देने वाले या फिर आप लोग इस प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और हाँ, जो एग्ज़ाम मैंने दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं थे, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एंड कुछ मैथ, कुछ रीजनिंग, एंड खासकर वो जो रिटेन जो होता है 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको एक लिखना रहता है वो। तो 3 क्वेश्चन जो था, मैंने तो मुझे याद नहीं है कि कौन कौन सा था, बट एक एजुकेशन से रिलेटेड था। तो आप इसे कर सकते हैं, कुछ कुछ लेटेस्ट आर्टिकल, 1 महीना पुराने से लेकर अभी तक के आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप कोई सुन रहे हो और आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। एंड उनका एक और क्वेश्चन था ब्राउचर से रिलेटेड, मैंने कहा था कि मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं था, मतलब इतना नर्वसनेस था कि मैं भूल गया था कि उनके क्या क्या ब्राउचर में उन्होंने क्या क्या लिखा है, बट मैं भूल गया था। तो पता नहीं अब रिज़ल्ट क्या आएगा, बट मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, बट मे बी अगर वो सेटिस्फाई हो गए हो मेरे आंसर से तो देखिए, पता चल ही जाएगा आप लोगों को। एंड ऑल्सो मैं हिंदी में ही उन्हें जवाब दे रहा था, तो उनको लेके मतलब हिंदी लैंग्वेज को लेके कुछ क्वेश्चन था कि मतलब अगर आपने पब्लिक पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है तो इंग्लिश मतलब होना चाहिए, एक होता है ना फराटेदार टाइप का, वो होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादातर लिखने वाला ही वो, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए।
तो मैंने कहा मतलब लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बट कन्वर्सेशन जो है वो बचपन से अभी तक की हिंदी में ही हुई है, क्योंकि लाइक लोकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था, तो हिंदी वाले ही सारे मिले, इंग्लिश में तो मतलब कि कन्वर्सेशन ना ही हुई है, तो वो नहीं हो पाया। सो यही सब था। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद सो गया, क्योंकि बहुत सिर दर्द दे रहा था ये सब चीज़ को सोच के कि अच्छा से नहीं गया मेरा, तो इसके बाद सो गया। फिर उठा और उसके बाद सोचा क्या करूँ, सोचा वीडियो बनाऊँ, बट उसमें भी मन नहीं लग रहा। तो आप लोग अगर कुछ न्यू नॉवेल्स के ऑडियो बुक चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा कौन से नॉवेल होनी चाहिए, एंड दूसरी अगर किसी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक मूवी के एक्सप्लेन एक मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है अभी लेटेस्ट, लव एंड लेसेस, कोरियन मूवी है, लाइक सम BDSM टाइप वाली, हाँ बट उतना खुला खुला नहीं है, लाइक नॉर्मल है, देखा जा सकता है, अच्छी मूवी है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया, एक दिन हो गया, अच्छे व्यू नहीं आई, सोचे थे अच्छे आ जाएंगे व्यू, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, बट उसमें एक लड़का है उसने कमेंट किया है कि लंड जैसा एक्सप्लेन किए हो। तो भाई साहब मैं क्या करूँ, जितना हो पाया किया मैंने, ठीक है अगली बार से अच्छा से मेहनत करूँगा कर लेने का, बट यार ऐसा लैंग्वेज तो मत यूज किया करो, ऐसे कोई ना होता है। सो अभी बज रहे 10:22 एंड मैं हूँ लेटा हुआ, एंड जैसे कि हमारे ही सब्सक्राइबर में से एक कोई है कृति व्यास, जिन्होंने मुझे एक नॉवेल को एक्सप्लेन करने को कहा है, मास्टरिंग हर सेंस बाय लॉरा काय। तो मैं उसका फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ने जा रहा हूँ। तो कृति व्यास जी, कोशिश करूँगा इसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने की, एंड आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटी सी पॉडकास्ट थी, अब देखते हैं आप लोगों का प्यार इसमें कैसा रहता है, उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगा, बट चाहत तो है मेरी कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।